ओके तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, और बेसिक डिफरेंशिएशन वगैरह काफी सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे। समेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, इंडेक्स रूल, ये सब हो गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो ये है कि डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, एंड सेकेंड पॉइंट, डिग्री ऑफ होमोजेनियस हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, और एक सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था होमोजेनियस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन जो होते हैं बेसिकली वो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं पासिंग ओरिजिन थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन उनके लिए बिल्कुल फिक्स है कि डी वाई डीएक्स का वैल्यू कितना आएगा, एम सॉरी वाई वाई अपॉन बाय एक्स वाई बाय हाँ वाई अपॉन एक्स, और डी टू एक्स वाई डीएक्स टू कितना आता है, जीरो जीरो आता है डी टू वाई डीएक्स टू कितना आता है बोलो, जीरो जीरो जीरो, ये फिक्स है। यहां तक कोई डाउट सर इम्प्लिसिट वाला बताओ ना एक बार क्या, इम्प्लिसिट वाला एक बार बताओ ना फिर सर कौन सा क्वेश्चन है? इम्प्लिसिट में एक्स और वाई मिक्स होते हैं, जैसे यही था इम्प्लिसिट, और क्या इसमें एक्स और और वाई मिक्स है कहीं ना, हाँ तो बस यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लिया आपने, एल एन वाई इज इक्वल टू वाई एल एन एक्स। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, तो इसमें वाई डैश का आंसर वाई के फॉर्म में आ गया। हाँ ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, इसमें डाउट है क्या? वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई अंडर रूट, y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, और वाई अभी डिफरेंशिएशन में तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, y डैश साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वाई डैश कॉस cos एक्स प्लस x, और y का डिफरेंशिएशन वाई डैश y डैश, y डैश को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, समझ गए? तो y डैश कॉमन, रिमेनिंग है 2y माइनस 1, तो y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, cos x अपॉन 2y माइनस 2y cos नो 1, एनी डाउट? सर नो सर ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन बन रहा है, 2 डिग्री 2 डिग्री, ये कांस्टेंट है 2 डिग्री 2 डिग्री, डिफरेंशिएशन इसका फिक्स होता है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, वाई बाय एक्स वाई वाई एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था हम लोगों ने, एक्स प्लस वाई होल पावर एन, तो ये बाइनोमियल बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन, हर टर्म में टोटल डिग्री होता है फिक्स, और वो एन है, ये भी एन, ये भी एन, इसका भी डी वाई डी एक्स डीएक्स फिक्स, और कितना, वाई बाय एनी एक्स और वो जीरो नहीं डाउट? स्टार्ट करें? हाँ सर ओके, या सब लोग समझने का ट्राई करो, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सीईटी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टफ नहीं होता है, सिंपल होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ये समझने का ट्राई करना, बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे सबको पता है यहां पर कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रिस्पेक्ट टू एक्स ये सबको पता है कितना आंसर आता है। कॉस हाँ, अभी क्वेश्चन है दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, सर सर अच्छा कैमरा चालू करो अच्छा मेरे हाँ मीटिंग लॉक दे।
उनको नहीं आना रहा है इधर डीयूजे उधर वो नया ना रहा है बोल कौन है मारी हाँ उधर ना रही थी वो ओए जी गांडी थी तो ना जी बक तू अच्छा ओके ओके रिज्यूम कर रहे हैं रिज्यूम हाँ आ गया आ गया सर जा गया ठीक है तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बोलो नहीं तो ये काफी ज्यादा सिंपल ही होता है समझ गए इसमें एक्स्ट्रा ऐसा कोई टेक्निक नहीं कि तुम्हें कुछ और ही करना है केवल न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स्ट्रा क्या लिख दो dx समझ गए ठीक है अब आते हैं मेन पॉइंट पे दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक एक्सप्रेशंस पैरामेट्रिक वर्ड सबसे पहले हम लोगों ने यूज किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax उसके कोऑर्डिनेट्स को आप लिख देते हो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 हां तो जैसे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 मतलब t x और y दोनों का फ्रेंड है सो x और y म्यूचुअल फ्रेंड से रिलेटेड है बेसिकली समझ गए तो x का t के साथ रिलेशन गिवन है y और t का रिलेशन गिवन है अभी क्वेश्चन ये पूछा है आपसे dy by dx इन टर्म्स ऑफ t dy by dx किस तरीके से चेंज हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ t में t के अकॉर्डिंग तो अगेन बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन dy by dx का मीनिंग है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y x x यहाँ पे भी लिख दो dt और यहाँ पे भी क्या कर दो dt क्या सब लोग समझने का dt बहुत इंपॉर्टेंट है ये 280 y दोनों में तो काफी आते हैं क्वेश्चन भर भर के आते हैं dy by dt कितना आ गया 2a dx by dt कितना आ गया 280 फाइनली आंसर कितना आ गया 1/3 कोई कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ लग रहा है तुम लोगों को नहीं हाँ तो नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा मैं एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बीच में इसमें ना तो थोड़ा ठीक रहे जैसे ये पॉइंट था डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन अदर फंक्शन एक पॉइंट और जो हम लोगों को सबको पता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स और आपको फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स तो एफ डबल डैश एक्स का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि दो बार डिफरेंशिएशन करोगे आप समझ गए तो एक बार तो एफ डैश एक्स क्या आ गया बोलो 1/x और सेकंड डिफरेंशिएशन क्या आ गया -1/x2 हां -1/x पॉइंट जो एफ डैश एक्स है ना ये किसका डिफरेंशिएशन है f of x का सही बात है विद रिस्पेक्ट टू x x और f डबल डैश x किसका डिफरेंशिएशन f of f dash of x का विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ f dash x विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है ओके अब सुनो ध्यान से एक तो आपको फाइंड करना है dy / dx सेकंड क्या फाइंड करना है dy / dx इन टर्म्स ऑफ t ये समझ में आ गया dy / dx काफी ज्यादा सिंपल dt dt फाइनल आंसर बना पॉइंट t आप dy / dx2 बताओ क्या है बोलो सर जीरो जीरो क्यों आएगा यार क्यों जीरो आएगा ये तो पहला डिफरेंशिएशन हो गया ना सर वन तो टू एट वन वन आएगा नहीं वन क्यों आएगा नहीं, नहीं। इसमें देखो क्या क्या मिस्टेक होती है वो समझने का ट्राई करो कुछ लोग तो क्या करते हैं इसी को फिर से टी के रिलेटिव में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उनका आंसर आ जाता है -1/t² वो गलत है
तो मेरे को बस इतना बताओ कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये किसका डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन है, ये समझ आ रहा है? विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, अरे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे भी क्या कर दो डी टी और यहाँ पे भी क्या कर दो डी टी, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या आएगा? माइनस वन बाई टी स्क्वायर, माइनस वन बाई टी स्क्वायर। और डी एक्स बाई डी टी कितना आ रहा था? 280। फाइनल आंसर कितना आ गया? माइनस 280 क्यूब, 280 क्यूब, माइनस वन अपॉन 280 क्यूब, माइनस वन अपॉन 280 क्यूब। कुछ मुश्किल इसमें nice. बस मिस्टेक ये होती है कि कुछ लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर आंसर बताते हैं, वो रॉन्ग है। समझ गए? ओके, करना क्या है आपको, पहले डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, ये पता होना चाहिए, यहाँ पे भी डी टी इधर भी डी टी। एक क्वेश्चन देता हूँ, अपने आप से ट्राई करो। चलो पहले तो सिंपल यही बताओ, डी वाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, सेकेंड डी टू वाई डी एक्स टू इन टर्म्स ऑफ टी, ये दोनों क्वेश्चन। करो भाई सर, पावर का डिफरेंशिएशन माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर टी एज इट इज, ये हो गया फाइनली माइनस का टू ई टू द पावर माइनस टू टी, इसमें कोई डाउट? सेकेंड पॉइंट डी टू बाय डी एक्स टू, अगेन काफी लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वो मिस्टेक है। d2 over dx2 एक्चुअल में है किसका डिफरेंशिएशन? dy/dx जो जस्ट अभी फाइंड किया था उसका फिर से डिफरेंशिएशन, माइनस टू बाहर e टू द पावर का एज इट इज और माइनस टू टी का डिफरेंशिएशन माइनस टू माइनस dx बाई डी टी कितना आ रहा था? दिस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 times e to the power minus 2t 3t नहीं आया समझ? हाँ कुछ मुश्किल नहीं। हाँ next question बेटा, यार बहुत simple chapter है और ये इसका weightage काफी होता है। next example आप ये लिखो, x is equal to 3 cos theta minus cos cube theta, y is equal to 3 sin theta minus sin cube theta, find करना है first। अच्छा dy by d theta होता तब तो आप कर ही देते ना, dy by dx second d2 by dx2, ये question। dy by dx is dy by d theta upon dxy, करो बताओ क्या आंसर है।
बताओ भाई डी वाई बाय डी थीटा बोलो सी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थ्री कॉस थीटा थ्री साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा कॉस थीटा ठीक है डीएक्स बाय डी थीटा माइनस थ्री साइन थीटा ये समझ आया हाँ कॉस क्यूब सबसे पहले इंडेक्स रूल थ्री आ गया और क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन हाँ प्लस प्लस बिल्कुल अभी न्यूमरेटर में कांस्टेंट कॉमन कितना रहा है बोलो थ्री कॉस थीटा रिमेनिंग है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा हाँ डिनोमिनेटर में कॉमन है माइनस का थ्री साइन थीटा और रिमेनिंग रहेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा थ्री और थ्री कैंसिल माइनस बी कैंसिल अब ये हो गया माइनस कॉट क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा सेकंड पार्ट डी टू बाय बाय dx तो dy by d2 by dx2 basically differentiation है किसका dy by dx dy by dx dx by dx मैं बोल देता हूँ कुछ लोग mistake क्या करते हैं d theta कुछ लोग mistake क्या करते हैं इसको ही differentiate करके रख देते हैं गलत है पहले तो आप इसको differentiate करो minus आगे constant है index rule ये समझ में आ गया three into cos cot theta का differentiation minus cosine square theta हाँ और अभी dx by d theta वो ये कैलकुलेट किया ये नीचे माइनस का थ्री साइन थीटा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल कैंसिल ये समझ गए ठीक है तो कॉट स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक वन अपॉन साइन स्क्वायर हो तो ये हो गया कॉस स्क्वायर और टोटल साइन की पावर कितना हो गया क्यूब सेवन हो गया सब नहीं समझ पाए एनी डाउट नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं x is equal to a cos t plus t sin t और y is equal to a times sin t minus t cos t find first dy by dx second d2 by y dx2 कुछ लोग इसको dx square ही बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ ही बोल सकते हो ठीक है ये क्वेश्चन है क्लोज करो भाई स्टार्ट करो dy by dt बोलो कितना आ रहा है sin t का डिफरेंशिएशन cos t और यहां cos t प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा d as it is माइनस sin t फाइनली कितना आ रहा है ये तो फाइनली कितना आ रहा है cos t plus t sin t ठीक से बताओ यार कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा वहां पे sin t का cos t माइनस बाहर t cos t t as it is cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t हां अभी cos t as it is और t का डिफरेंशिएशन 1 तो ये हो गया cos t माइनस माइनस प्लस t sin t माइनस cos t cos t cos t क्या हो गया कैंसिल नहीं कर सकते क्या तुम लोग ये काम ये आ रहा है a times t sin t अभी dx by dt बताओ कितना आता है cos
बोलो डीएक्स बाई डीटी क्या आ रहा है सर? टेन टी हाँ बोलो डीएक्स वाई डीटी कितना आ रहा है बताओ? टी कॉस्टियर डीएक्स वाई डीटी तो कॉस्टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी माइनस साइन टी टी कॉस्टी टी कॉस्टी प्लस टी कॉस्टियर सही है। तो ए और ए कैंसिल टी भी कैंसिल कितना आ गया फाइनल ये 10 टी। काफी सिंपल एक्सप्रेशन आ रहा है 10 टी। अभी करते हैं डी टू वाई वाई डी एक्स टू। तो बेसिकली डी वाई वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है तो यहाँ पे भी डी टी और यहाँ पे भी डी टी। टेन टी का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर टी। हाँ और एक्स का डिफरेंशिएशन जस्ट अभी कैलकुलेट करा था दिस। तो ये हो गया 1 अपॉन ए टी sec स्क्वायर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर और ये कितना हो गया cos क्यूब टी cos क्यूब। एनी डाउट? एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एग्जांपल लिखो x इज इक्वल टू a टाइम्स cos t प्लस ln tan t by 2 और y इज इक्वल टू a sin t। आपको फाइंड करना है d y by dx। ये क्वेश्चन करो ट्राई। सेकेंड d2 y by dx2 ये भी फाइंड करना है। इधर ये आदित्य तो सिद्धरामेश तुम लोगों को चाहता नहीं है कि वैसे उड़ते रहते हो यार। तुम्हारे इतने गंदे मार्क्स आए मैथ्स में से हैं। सिद्धरामेश क्या हुआ बेटा? इतने गंदे मार्क्स आए मैथ्स में, मतलब हद से ज्यादा गंदे मार्क्स आए। करो या थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो भैया ना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है डी वाई डी टी क्या आ रहा है बोलो? cos t और अब फाइंड करो अब डी एक्स वाई डी टी। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। एक काम करो ln tan t by 2 को अलग से कर लो, समझ गए ना? हाँ सर। इसको अलग से डिफरेंशिएट करो, करो क्या आता है देखते हैं। 1 by tan t by 2 आएगा और tan का अलग से। हाँ tan का sec square। हाँ sec square t by 2। t by 2 का 1 upon 2। हाँ। into 1 by 2। 1 upon sin t। ये कल भी करवाया था यार, वही क्वेश्चन है। तो ये हो गया 1 upon sin t। ए और ई कैंसिल, ये हो गया cos t डिनोमिनेटर में एलसीएम sin t
और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है cos स्क्वायर टी साइन टी अपॉन cos टी कितना होता है बोलो tan टी। हाँ तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स है tan टी। और अभी फाइंड करना है आपको क्या डी टू अब dx2 तो d2 बाय dx2 यानी कि d बाय dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन और यहां पे लिखोगे tt और यहां पे भी dt tan t का डिफरेंशिएशन x पर t और dx बाय dt जस्ट अभी निकाला है कितना आ रहा था cos पर t अपॉन sin sin t। हां तो ये ऊपर sin t ऊपर और ये नीचे यानी cos टू द पावर cos पर 4 40 नहीं आया समझ में बताओ। तो बस ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक समझ गए। यहाँ पे कोई और वेरिएबल आता है तो आप उसके रेस्पेक्ट में कर देते हो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। एक जो प्रॉब्लम होती है काफी ज्यादा लोगों के साथ वो ये है कि जब वो d2 और dx2 का करते हैं तो फिर उसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ध्यान रखना d2 और dx2 किसका डिफरेंशिएशन है dy बाय dx का विद रिस्पेक्ट टू dx। हाँ समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और ये करते हैं sin स्क्वायर mx प्लस cos स्क्वायर ny इज इक्वल टू a स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। ये क्वेश्चन आंसर आपका m n साइन कॉस वगैरह ऐसा कुछ है। तो करते हैं सबसे पहले इंडेक्स रूल टू आगे और वन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और एमएक्स का डिफरेंशिएशन टू आगे कॉस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन वाई माइनस साइन माइनस साइन एन वाई और एन वाई का डिफरेंशिएशन एन डिफरेंशिएशन जीरो। एक चीज और एन वाई का डिफरेंशिएशन एन वाई डैश होगा ध्यान रखना क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप लोग एक्स के। हाँ तो बेसिकली वाई डैश अच्छा टू साइन थीटा कॉस थीटा इसको तुम लिख सकते हो साइन डबल एंगल अपॉन दिस एन साइन डबल एंगल। ये क्लियर तो ये इसका आंसर है। अगेन फाइनल आंसर क्या होते हैं वो ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई प्रूव दैट प्रूव क्या करना है शो करना है बेसिकली शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये क्वेश्चन ये ट्राई करो दोनों तरफ ज्यादा मत दिमाग लगाओ दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो बस हो गया। इसमें अब शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं ना बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं धीरे धीरे। ओके तो स्टार्ट करते हैं साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई और वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रोडक्ट टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन ये sin a plus y plus x as it is sin का differentiation cos a plus cos a plus y और a plus y का differentiation y dash y dash y dash ठीक।
आगे क्या करें फिर इसमें? देखो पता है एक तरीका ये भी ठीक रहता है यार, जैसे क्या है अभी आपने यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट टू लगा दिया, इससे अच्छा तुम ये कर सकते हो कि इसको आप लिखो x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ऑफ, साइन ऑफ ए प्लस प्लस वाई अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसको रिवर्स dx अपॉन dy अपॉन dy यहाँ पे डिवीजन रूल स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर पहले डिफरेंशिएट करते हो किसे न्यूमरेटर न्यूमरेटर एज इट इज अभी वैडिश नहीं लिखोगे डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos a plus y और a plus y का 1 y डे अब बेटा ये तुम्हें समझ नहीं वैडिश नहीं वैडिश नहीं 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 हाँ वन हो जाए हाँ अभी ये बन गया sin a cos b माइनस cos a यानी कि sin of a माइनस b तो कितना आ गया sin a अपॉन sin स्क्वायर dx अपॉन dy तो फाइनली इसको रेसिप्रोकल कर दो तो dy by dx कितना आ गया बोलो sin स्क्वायर a स्क्वायर a प्लस y बाय sin a एनी डाउट नो ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं बड़ा क्लासिक सा क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन y is equal to ax square upon x y इस टाइप का क्वेश्चन माइंड में रखना है ना ये बहुत सिंपल है x minus b x minus c x minus d नहीं लिखो इतना ही लिखो फिर है bx upon x minus b x minus c फिर है यहाँ पे c upon x minus c और सबसे लास्ट में है 1 आपको y dash upon y ये प्रूफ करना है 1 upon x a upon a minus x b upon b minus x c upon c minus x क्या प्रूफ करना है वो तो बहुत बात की बातें हैं पहले क्या हो रहा है आपको वो समझ में आना चाहिए ठीक है स्टार्ट करें देखो इस टाइप का देख लो यार इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है x square upon x minus 1 x minus 2 x minus 3 समझ गए ना तो तुम्हें बेसिकली फैक्टर्स और यहाँ पे कुछ प्लस माइनस ऐसा कुछ दिख रहा है हम लोगों को शीट सॉल्व करना बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें तो आप सबसे पहले ये थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो क्योंकि पूरा एलसीएम लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है बोलो और ये हो गया सी प्लस एक्स माइनस सी सी और सी कैंसिल अब आप इन दोनों को डील करो एलसीएम कितना आ गया बोलो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी यहाँ पे तो बी एक्स है और ये x माइनस सी ऑलरेडी एक्स्ट्रा कितना रहा है x माइनस बी इंटू इंटू एक्स ये कितना हो गया बेटे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी अब आप इसको डील कर लो ये समझ गए अभी एलसीएम कितना आ रहा है बोलो एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी यहाँ पे कितना न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी सेम एक्स्ट्रा कितना आ रहा है एक्स माइनस ए एंड दिस एक्स माइनस से विल बी मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल कैंसिल तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी समझ गए ओके अभी दोनों साइड क्या ले लो लॉग लॉग ले ठीक है स्टार्ट करते हैं तो लॉग वाई एक मिनट यार अपन को जो फॉर्म लेके आना है ना वो भी लिखना है अपन को फॉर्म लेके आना है क्या ए माइनस एक्स चलो वो तो प्लस माइनस पे एडजस्ट हो जाएगा अभी आप ले लो दोनों तरफ लॉग तो ये हो गया थ्री लॉग x या फिर ln y is equal to 3 ln x minus ln x minus b x minus minus ln और अभी दोनों तरफ differentiate with respect to x तो ln y का differentiation 1 upon y 1 upon y y dash y का differentiation y dash इसको देखते चलते हैं यहाँ पे क्या लेंगे यहाँ पे देखो y dash upon y match हो गया ठीक है right side अकाउंट 3 ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon x 1 upon x ln का डिफरेंशिएशन 1 upon
इस माइनस को अंदर लेके ये लिख रहा हूँ, चलता है ये, चलता है ये माइनस, ये भी चलता है ये माइनस। अब इससे मैच करना है हम लोगों को, इससे मैच करना है, इससे क्या करें, इससे अभी तो मैच हुआ नहीं ना, ये तुम्हें समझ में आ रहा है? यहाँ पे a माइनस एक्स के ऊपर क्या आना चाहिए, हाँ, और b माइनस एक्स के ऊपर b, और c माइनस एक्स के ऊपर c। अब क्या करें, और ये थ्री भी नहीं दिख रहा अपन को, दिख रहा है यहाँ पे थ्री के अलावा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, क्या करना चाहिए आगे बताओ। यहाँ पर ए चाहिए जगह पे, a upon a minus x, b upon b minus x, and c upon c minus x। एक काम ये कर सकते हैं कि यहां पर a और minus a, minus zero नहीं वो तो ठीक है, a को सेपरेट कर देंगे ना, minus a को सेपरेट कर देंगे, लेकिन उसके क्या आगे, उसके आगे क्या पॉइंट वो है, इसके अलावा यहाँ पे x मल्टीप्लाई में भी है, दिख रहा है तुम्हें? हाँ, तो वो भी चाहिए अपन को। सही है, ये कर सकते हैं, पता है इसमें क्या दिमाग लगा गया, सुन रहे हो कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अपन को वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में चाहिए, तुम्हें दिख रहा है? हाँ सर। वही क्रिएट करने का ट्राई करेंगे हम लोग, तो एक काम किया मैंने, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, चला एक्स यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है ओके। अब भी क्या करें इसमें, देखो ये माइनस है, एक माइनस यहां पे लिखा, एक माइनस यहां पे, सही है। अभी एक क्रिएट और करना है, तो ये ए ऐड किया और ये माइनस कर दिया, डन। सब सेम ही है जो पहले था, अब इसको आप सेपरेट कर दो, माइनस एक्स a माइनस एक्स और a माइनस एक्स माइनस ए, ऐसे सेपरेट कर दो इसको सेपरेट। तो जब तुम इसको सेपरेट करोगे ना, तो तुम्हें ये ऐसे दिखेगा, देखो ध्यान से देखना, ये पोर्शन क्या हो गया और ये बन गया माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स, ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स बी अपॉन एक्स बी माइनस, और ऐसे ये क्या बन जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन, तो वैसे ऐड होके थ्री हो जाएगा और कैंसिल हो गया, कॉमन करेक्ट हो गया प्रूव। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में भी, एनी डाउट? ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का 70% चैप्टर हो गया, कितना परसेंट हो गया, बच्चा 20%, अभी 20 मिनट में हो जाएगा, स्टार्ट करें। awesome.
देखो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट हो गया, होमोजेनियस हो गया, पैरामेट्रिक फंक्शंस का हो गया, बाकी बेसिक बेसिक सारा हो गया, प्रोडक्ट डिवीजन एक्सपोनेंट चेन, समझ गए ना? नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करूं मैं? कुछ पानी वानी पीना है तो पी लो, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने वाले हैं हम लोग इसमें। Maybe 2 minutes more. ओके स्टार्ट करें। बोलो स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। ऋषिकेश आ गए? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग यहां, और इसी में काम करते हैं, ये भी ऐड कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आधे घंटे में सब कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर ये 95% कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करें? ओके ठीक है, तो एक चीज समझने का ट्राई करना, कुछ फिक्स सब्स्टिट्यूशंस है जिनसे एक्सप्रेशन क्या होता है काफी इजी हो जाता है। जैसे सपोज करो कहीं पे आपको दिखता है x स्क्वायर प्लस, यस सर, ये मैंने पहले भी कभी तो बताया था ना, तो यहाँ पे x आप पुट करोगे a tan थीटा या फिर a cos थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। cot थीटा भी यूज कर सकते हो, जनरली क्या यूज करते हैं tan थीटा। नेक्स्ट है दिस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लगता है क्या पुट करना साइन चाहिए? साइन और कॉस, साइन कॉस पुट नहीं करना चाहिए आपको, पुट करना चाहिए x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसाइन, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना बनेगा टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। अब तुम ये बोल सकते हो माइनस कॉमन ले लो, एक्चुअली अंडर रूट होता है उसमें है ना, तो फिर यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x का पुट करना चाहिए साइन साइन और कॉस, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी नहीं होती है, तो या तो आप पुट करो a साइन थीटा या फिर a ये कॉस कॉस थीटा। हां समझ गए? अरे यार बोलो। हां सर ठीक है, और भी कुछ है? पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन हर साल आ जाता है लगभग एग्जाम्स में। f(x) = tan inverse √ 1 +
x square minus 1 upon x. आपको फाइंड करना है f dash 1 upon 2. 1 upon 2. अब वैसे तो tan inverse का differentiation 1 upon 1 plus जो भी लिखा हुआ है उस सब का square. और फिर chain rule से इसको भी differentiate करोगे तो कुछ थोड़ा बड़ा हो गया ना ये. इस situation में हम लोग trigonometric substitution कर लेते हैं. तो 1 plus x square को देख के बताओ x कितना होगा. tan 1 tan theta. tan theta. तो ये हो गया 1 plus tan square theta या नहीं? x square theta. x theta minus 1 upon x कितना आ गया? tan theta. tan theta. sec theta होता है 1 upon cos, tan होता है sin upon cos. sin upon cos. cos cos minus cos theta. cos theta upon sin theta. ध्यान रखना cos और sin ऐसा कुछ आए तो वो tan में चेंज होता है. tan में चेंज होता है. 1 minus cos theta को क्या लिख सकते हो? 2 sin square theta by 2. theta by 2. और इसको क्या लिख सकते हो? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. cos theta by 2. 2 cancel, sin sin cancel. sin sin cancel. आ गया. tan theta by 2. ये हो गया tan inverse tan. theta by 2. वैसे तो direct theta by 2 नहीं लिखना चाहिए लेकिन लिख सकते हैं क्योंकि theta actually कितना आ रहा है? tan inverse. x. और tan inverse x किस interval में होता है? minus pi by 2 to. pi by 2. थीटा बाई टू कितना हो गया? माइनस पाई बाई फोर टू. पाई बाई फोर. तो माइनस 92 प्लस 90 में एज इट इज ओपन. तो ये तो उसके अंदर ही है ना. यानी ये एज इट इज ओपन. थीटा कितना आ रहा है? टेन इनवर्स एक्स. अरे सुन रहे हो ना यार? हाँ सर. तो आपको जो ये इतना बड़ा दिख रहा था ना, इतना बड़ा दिख रहा था, ये सिंपल सा ये है एक्चुअली. अरे ऋषिके समझ रहे हो कुछ? हाँ सर. इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? अपॉन टू बाहर और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर. आपको ये फाइंड करना था एक्स की जगह पे कितना पुट करोगे? वन अपॉन टू. वन प्लस वन अपॉन फोर यानी कि फाइव अपॉन फोर. फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? टू का फाइव. टू अपॉन फाइव. क्लियर? हाँ. तो ऐसे आता है भाई, देख लो यार. ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया, वरना तो फिर कुछ कुछ करना पड़ता है. नहीं बोलो, कोई डाउट है तो बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x square upon under root of x to the power 4 plus a to the power 4. आपको प्रूफ करना है dy by dx is equal to 2a square x upon x to the power 4 plus a to the power 4. ये क्वेश्चन है. सॉल्यूशन आप sin inverse का डायरेक्ट करोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा. tan ही पुट करो. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्म है. x स्क्वायर को क्या पुट करोगे बोलो? tan a tan a स्क्वायर a स्क्वायर tan हां a स्क्वायर tan. किसी चीज समझ में आ रही है? ओके. तो ये बन गया अभी a स्क्वायर tan थीटा अपॉन a टू द पावर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस a टू द पावर 4. a टू द पावर 4 का अंडर रूट कितना होगा बोलो? a स्क्वायर. a स्क्वायर tan square theta plus 1 under root कितना आ गया बोलो? theta. sub theta. tan होता है sin upon cos, cos और sec cancel और ये कितना आ गया बोलो? sin theta. sin theta. और ये बन गया sin inverse. sin theta. कितना लिखोगे? theta. theta. यहाँ से tan theta कितना आ रहा है बोलो? x square upon a square. तो theta कितना आ गया? tan inverse. x square upon a square. x square upon a square. मतलब ये जो इतना कॉम्प्लिकेट दिख रहा है ये एक्चुअली इतना सही है बस. तो y कितना आ गया? tan inverse x square upon a square. अब इसको डिफरेंशिएट कर दो. tan inverse का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square जो भी लिखा हुआ है सबका x power 4 a power 4. और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a ये ऊपर जाएगा यहाँ पे और ये हो गया ऐसे. समझ रहे हो? और फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? a स्क्वायर 2x.
टू एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर फोर प्लस ए पावर फोर नहीं आया समझ? एनी डाउट? एक क्वेश्चन ये, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस वाई, देन शो दैट dy by dx is equal to under root of 1 minus y square upon 1 minus यार ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा टेंशन से सुन लो यार, है ना? ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे बोलो? x is equal to 1 sin theta on sin theta 4 होता तो कितना करते? 4 sin theta 2 sin theta 2 sin theta 2 sin theta गलत लिखोगे तुम्हें ही प्रॉब्लम आएगा, 2 sin theta करते हैं, तो x तो मैंने रख दिया 1 sin theta भी, समझ गए? और y क्या रखोगे? sin cos नहीं सकते, x को रखा sin alpha और y को क्या रख दो? sin beta 1 minus sin square alpha cos square alpha यानी cos alpha, और ये बन गया क्या? cos राइट साइड में कितना आ रहा है? ए टाइम्स साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है बोलो? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इनटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये समझ आया? कॉस ये क्या हो गया? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ये भी आ रहा था ना, तो अब ये लिख सकते हो तुम tan of alpha minus beta upon 2 is equal to 1 upon a, यानी alpha minus beta upon 2 is equal to tan inverse 1 upon a 1 upon a। अरे तुम लोग सो रहे हो क्या? नहीं ठीक है, अल्फा क्या था? साइन इनवर्स एक्स, बीटा क्या है? साइन इनवर्स साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन इनवर्स 1 बाय 1 अपॉन ए। अभी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ दिस, साइन इनवर्स वाई का दिस और वाई का राइट साइड में कांस्टेंट है तो कितना आएगा? जीरो। तो y dash using transposition take this on the right side और फिर cross multiplication, तो this upon y dash, नहीं समझ आया? आ गया सर। अरे यार बोलो। आया आ गया सर, आ गया। हाँ ये एग्जाम में आता है, ये आपके बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन है सेम टू सेम, समझ रहे हो? करना क्या है इसमें आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, एक साइन अल्फा एक साइन बीटा, फिर ये, और फिर यहाँ पे साइन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, कैंसिल, फिर ये और फिर ये सब, समझ गए? एनी डाउट? नहीं। और क्वेश्चंस करते हैं। देखो फिर इसमें और भी क्वेश्चन आप बना सकते हो बहुत सारे, जैसे ये क्वेश्चन है f of x, ये तुम्हें मैंने ITF में करवाया था सबसे लास्ट में। सपोज करो f of x है दिस, sin inverse 2x upon 1 plus x square plus x square, और gx है let's say this, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus 1 plus x square। AT में हर साल आता है क्वेश्चन, सब हर साल आता है, तुम कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ठीक है? एडवांस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का आता है और CT वगैरह में ये आता है। क्वेश्चन ये है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ
एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। हाँ तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिवाइड में dx और यहाँ पे भी डिवाइड में dx। अरे समझ रहे हो ना, हाँ सर। आपको ये फाइंड करना है ये। अब साइन इनवर्स का तो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस जो भी लिखा हुआ सबका स्क्वायर, और फिर चेन रूल से ये भी करोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। वन प्लस एक्स स्क्वायर का वो यहाँ पे x is equal to क्या पुट कर दो, 10 10 इससे ये बन जाएगा 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। इसका फॉर्मूला होता है अभी sin 2 theta। और इसको क्या लिख सकते, अरे यार सब लोग सुन रहे हो ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। अनिरुद्ध देव ऋषिकेश साहिल श्रीधर, और अब ये क्या बन गया 2 यहाँ पे भी एक्स कितना पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है किसका, कॉस टू थीटा। ये कितना बन गया 2 थीटा, 2 थीटा क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो जी एक्स कितना आ गया 2 2 टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स। नहीं आया समझ, आ गया। अब सेम फंक्शन ही आ गया ना दोनों ही, तो 100% डी जी ऑफ एक्स अपॉन डी एफ ऑफ एक्स कितना आंसर आएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे, यही तो करोगे यार, यही तो करोगे ना। ये आ गया और ये भी, ये अपॉन 2 1 अपॉन कितना चला गया फाइनली 1 1। हर साल आता है क्वेश्चन सीटी में, हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है। बताओ कोई डाउट है तो इसमें बोलो। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस, फाइंड डी जी एक्स अपॉन डी एफ एक्स। ये क्वेश्चन है, तो पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स, एक्स कितना पुट करोगे यहाँ पे बेटा, ये समझ रहे हो ना, साइन 3a साइन 2a cos 3a cos 2a के फॉर्मूले बन रहे हैं ये। साइन 3 थीटा, ये बन गया 3 साइन 3a cos क्यूब, यानी कि साइन ट्रिपल एंगल इनवर्स साइन 3 थीटा। इसको क्या लिख दोगे 3 थीटा, और थीटा को क्या लिख दोगे 3 साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x। बाकी यार तुम्हें याद है ऋषि के, सॉरी आदित्य और सिद्धरामेश्वर, इसको प्रॉपर कैसे ओपन करते हैं वो तुम्हें बताया था एक अलग क्लास में। हाँ सर, हाँ सर। बाकी अभी तो आप यहाँ तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक्स, यहाँ पे एक्स कितना पुट करोगे tan theta, tan theta पुट, तो ये बन जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan a 3 tan a tan 3 theta। ये कितना बन गया 3 theta 3 theta 3 theta, यहाँ पे theta कितना 3 tan inverse x 3 tan inverse। तो आपका एफ एक्स सिंपल सा वो है, जी एक्स सिंपल सा ये है, ये समझ गए। अभी क्वेश्चन है दिस, डी जी एक्स अपॉन डी एफ एक्स, डी एफ एक्स यहाँ पे भी डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स, डी एक्स कर दो भाई डिफरेंशिएशन। 3 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 6 कैंसिल। फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो, 1 और 1 माइनस 6 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं है समझ, आ गया ठीक है ओके। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, वो रूट और में नहीं आएगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा वो। अच्छा अच्छा
एक्सप्रेशन ही रहा होगा। ये चैप्टर 90% हो गया है। एफ एक्स एक्स कितना पुट करोगे, साइन थीटा या कॉस थीटा में से कुछ भी एक, जैसे साइन थीटा पुट किया तो ये बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, समझ गए? हां 2 साइन थीटा। और इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। यहां पे आता है, यहां पे एक्स क्या पुट करना चाहिए, कॉस थीटा, कौन उससे बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा, और इसको लिख दोगे 2 cos इनवर्स x dgx अपॉन dfx। फाइनली आराम से इसको समझ के बताओ कितना आंसर आएगा। भाई इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया और इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया 1 अपॉन Minus. कितना आंसर है फाइनली, माइनस वन। नहीं आया समझ? अगर ओके बस यार इतना ही होता है। ओके बताओ कोई डाउट है तो बोलो। और भी बहुत सारे होते हैं, वो तो तुम्हें शीट सेंड करूंगा सॉल्व करना, तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें, ठीक है? तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ही फिर मुझे वो हाँ करने में प्रॉब्लम आ रहा है सर, 1 माइनस के प्लस में, अब कॉस कब साइन हो नहीं समझ में। यार ये तो फॉर्मूले होते हैं ना, ये तो बताया था देखो आपको आईटीएफ में, ये रहा आईटीएफ के रूट्स। याद है ये बताया था तुम लोगों को, देखो ये आईटीएफ के नोट्स है, सेम क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ, दिख रहा है? हाँ चलो फिर भी मैं दोबारा से बताया था, देखो ये फॉर्म है, दिख रहा है ये फॉर्म? हाँ तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहिए साइन थीटा और उससे ये बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ 2 थीटा, समझ गए? ये फॉर्म देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से है, इससे ज्यादा फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पे एक्स कितना पुट करोगे, कॉस, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 हाँ cos 2 थीटा, 2 थीटा, ये आया समझ? हाँ ये होता तो x is equal to sin थीटा, इससे ये बनेगा 1 minus 2 sin square थीटा, यानी कि this this this, समझ गए? हाँ सर। फिर आते हैं ये फॉर्म ले जाते हैं sin double angle cos double angle tan double angle, यहाँ पे x tan थीटा, यहाँ पे भी x tan थीटा, यहाँ पे भी x tan थीटा, तो ये बन गया sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये क्या बन गया tan 2 थीटा, समझ गए? सब सेम ही आ रहे हैं। फिर ये कुछ फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पे एक्स कितना पुट करोगे, अरे साइन 3 का फॉर्मूला याद है, साइन 3 का फॉर्मूला याद है क्या, बोलो? हाँ सर, तो ये उसी हिसाब से बनाया है, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 का फॉर्मूला याद है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos, tan 3 का फॉर्मूला याद है, 3 tan a माइनस 10 क्यूब है, 4 नहीं है, 3 tan a माइनस 10 क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a, बस नहीं समझे अभी भी? समझ गए। ऐसे ही क्वेश्चन है, f of x is equal to tan inverse 1 minus x upon 1 plus x का अंडर रूट। तो देखो यहाँ पे बेस्ट रहता है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, आप x कितना पुट करोगे, cos 2 थीटा, का बेनिफिट क्या है, 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta, 1 minus cos double angle 2 sin square half angle, sin square half angle, 1 plus cos double angle 2 cos square theta हाफ एंगल, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट कितना बन गया टेन थीटा,
और इसको क्या लिख सकते हो अभी? थीटा हाँ, x cos 2 थीटा, तो 2 थीटा cos इनवर्स x तो थीटा कितना हो गया? हाफ cos इनवर्स x। तो जो इतना बड़ा दिख रहा था वो बेसिकली इतना सा ही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर तो 1 upon 2 बाहर और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 upon अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 cos x। समझ गए? ठीक है, तो लास्ट 5 मिनट और पढ़ते हैं, फिर ये पोर्शन भी कंप्लीट। हायर डेरिवेटिव के कुछ 2-3 एग्जांपल वो कल करेंगे, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, समझने का ट्राई करना। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं बताने जा रहा। जैसे ये लिखा हुआ है, ये आते हैं, ये आपके सी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन, वहीं से पिक किए मैंने। स्टार्ट करें। जैसे ये क्वेश्चन है, टेन इनवर्स दिस, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, समझ रहे हो? चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 upon 1 प्लस जो भी लिखा हुआ सबका स्क्वायर, सबका स्क्वायर, और फिर इसके भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप ये भी कर सकते हो, टेन इनवर्स के फॉर्मूले आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताए थे, इसको लिखा मैंने 1 plus x into x minus one, यहाँ पे लिख दिया मैंने this, समझ गए? हाँ सही है, ये सबको बताया था, इस कर दिया था। हाँ infinite, a minus b में ये होता है, tan inverse a minus b। हाँ infinite series में बताया था, सही है। हाँ तो ये वही है, tan inverse a minus b upon 1 plus a into b, और ये होता है tan inverse a minus tan inverse b, तो ये बन गया tan inverse x minus minus tan inverse x minus one। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, f dash x, तो tan inverse का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square, x square, and tan inverse का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus जो भी लिखा हुआ सबका स्क्वायर, x minus 1 का डिफरेंशिएशन 1। नहीं समझे? समझ गया। हाँ, इसमें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं यार, है ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसके। जैसे ये क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, को डिफरेंशिएट करना है। अगेन वही फॉर्म बनाने का ट्राई करते हैं स्टार्ट। तो उस फॉर्म में डिवाइड में 1 plus होता है, दिख रहा है तुम्हें 1 plus? हाँ, तो 1 plus के लिए यहाँ से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन, तो ये हो गया ऐसे, ये समझ आया? हाँ सर। ऊपर से भी एक कॉमन ले लो तो एक वो कॉमन बन गया ये, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये दोबारा से बन गया tan inverse a minus b upon 1 plus 1 plus a b, यानी tan inverse a tan inverse a minus tan inverse b, ये है a by a minus tan inverse। हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो f dash x, तो ये डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया बोलो? जीरो है, कांस्टेंट है पूरा, tan इनवर्स का 1 upon 1 plus ये, 1 upon 1 plus x, ये इसका आंसर आ गया। एनी डाउट? नहीं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, वहीं से निकाल लेते हैं ना, एक काम करते हैं, नहीं वही तो कर रहे हैं हम लोग,
जैसे ये क्वेश्चन बन गया है। फाइंड करना है आपको एफ डैश एक्स, समझ रहे हो? तो या तो नॉर्मल प्रोसीजर से जाओ, वरना थोड़ा सा दिमाग लगा लो, इसको फिर से इस फॉर्म में चेंज कर दो। तो इसमें हम लोग करते क्या है, फोर को ऐसे डिवाइड, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3/4 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पे वन चाहिए होता है, तो वन और वन माइनस, ये समझ आया? ये बन गया अभी वन प्लस एक्स स्क्वायर 3/4 माइनस वन, यानी कि माइनस माइनस वन अपॉन, और ये बन गया ए प्लस बी इंटू, और ऊपर इनका माइनस कर दो, समझ गए? माइनस वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। फोर तो वैसे भी डिवाइड कर दिया ना आप लोगों ने। हाँ सर। अब इसको ये लिख दो, क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो तुम शीट में सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तो तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना? राजू बेस दो। बस ये हो गया कंप्लीट। हायर और डेरिवेटिव के 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो हम लोग कल कर ही लेंगे, समझ गए? सर थोड़ा स्क्रॉल कर दो ना लास्ट क्वेश्चन। आईटीएफ का रिवीजन कर लेना, उसमें होता है बहुत सारे क्वेश्चन। Any doubt? Yes. Okay. ठीक है, अच्छे से रहो, है ना? तुम लोग थोड़ा ठीक से करो यार, क्या इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना? ऐसे थोड़ी होते हैं। ठीक है, पेपर वगैरह डिस्कस कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो फिर मिलते हैं एग्जाम पे। हाँ, अभी जो आपका पेंडिंग काम है आप वो कंप्लीट करके रखो पूरा, है ना? ठीक है सर, आज इसका शीट सेंड कर दोगे ना? आज इसका शीट में सेंड कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। ठीक और है। कितने क्वेश्चन करने हैं उसमें? उसमें स्टार्टिंग के 40 कर लेना। 40? हाँ ठीक है। ओके बाय। ओके बस।